काफी पहले हुए अनाउंसमेंट के बाद से अब तक फ्लोर पर क्यों नहीं जा पाई जी ले जरा। आखिरकार इसका पता चल गया है और ये भी सामने आ गया है कि आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ स्टारर जी ले जरा कब जाएगी फ्लोर पर। Yes, you heard it right. इसका थोड़ा सा इशारा रिसेंटली राजस्थान में डायरेक्टर फरहान अख्तर के लोकेशन हंट से मिल गया था और बाकी डिटेल्स शेयर कर दिए हैं फिल्म की स्क्रीन राइटर रीमा काकती ने। तो अब बस खत्म हो गया है आलिया, प्रियंका और कैटरीना के फैंस का इंतजार, क्योंकि जल्द स्टार्ट होने जा रही है जी ले जरा की शूटिंग। खबर आई है कि आलिया, प्रियंका और कैटरीना स्टारर जी ले जरा ईयर एंड तक फ्लोर पर चली जाएगी। रिसेंटली राजस्थान में फरहान अख्तर का लोकेशन हंट भी इस बात को कंफर्म करते दिखा था, पर अब कुछ रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ने फिल्म के डिले होने के रीजंस तो रिवील कर ही दिए हैं। साथ ही फिल्म की स्क्रीन राइटर रीमा काकती ने भी 2023 के एंड तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने का इशारा किया है। फिल्म डिले होने के रीजंस की बात करें तो पहली वजह थी कैटरीना और विकी कौशल की वेडिंग, फिर प्रियंका का मॉम बनना और फिर आलिया और रणबीर कपूर की वेडिंग और आलिया की प्रेगनेंसी की वजह से फिल्म पर काम नहीं हो पाया। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने भी उम्मीद जताई थी कि फिल्म जल्द शुरू होनी चाहिए, पर अब रीमा काकती के कॉन्फर्मेशन के बाद लगता है आलिया, प्रियंका और कैटरीना के फैंस को जल्द ही बिग स्क्रीन पर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट जहां पहले ही मदरहुड एंजॉय कर रही हैं, वहीं कैटरीना कैफ भी इशारा कर चुकी है कि जी ले जरा और मैरी क्रिसमस के रैप अप के बाद वो भी फर्स्ट चाइल्ड प्लान करेंगी। मतलब मॉम बनने के बाद आलिया और प्रियंका के लिए तो जी ले जरा की एडवेंचरस रोड ट्रिप एक्साइटिंग रहने वाली है। मॉम बनने से पहले कैटरीना भी इस ट्रिप का पूरा मजा लेती नजर आएंगी। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.